हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग CHO रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन व एम्स 8020 कोड केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, कंपटीशन का ज़माना है। किताबी तैयारी के साथ साथ नर्सिंग से रिलेटेड हर अपडेट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि एम्स 8020 कोर्ट केस पटना केट व दिल्ली केट से हार चुके हैं। जब से केस आ रहे हैं तब से हजारों मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं। चिंता करना जायज है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी एम्स ही निकालता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि चिंता की ज़रूरत नहीं है। एम्स 8020 कोर्ट केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार दो कोर्ट केस चल रहे हैं। एक कोर्ट केस की फुल डिटेल मेरे पास है जिसकी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सुनवाई हुई थी। 10 दिसंबर को इसका अपडेट आया था जिसकी कॉपी मेरे पास है। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इस कोर्ट केस की 11 तारीख अमर उजाला पेपर में भी खबर आई थी, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स वे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नोटिस भेजा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनने की चाह रखते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा डिटेल से देखना चाहिए, लास्ट तक देखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 11 दिसंबर के अमर उजाला की कटिंग है, इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। इसका मैं सारांश बता देता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स व सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा। वह उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों ने दिल्ली केट के फैसले पर रोक लगाई जाए। वह कोर्ट ने जवाब मांगते हुए ये आदेश दिया है कि जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हो तब तक 2020 नॉर्थ सेट की ज्वाइनिंग नहीं हो। तो फ्रेंड्स, कोर्ट के रुख से लगता है कि फैसला केट की तरह तो नहीं आएगा, कुछ न कुछ अलग फैसला आने वाला है, आपको इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पेपर कटिंग नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली कोर्ट का क्या ऑर्डर आया, उसकी कॉपी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट की कोर्ट कॉपी है, ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका केस नंबर है WP/C10124/2020। पिटिशनर है हरीश काजला जी, अदर्स, वकील है संतोष कृष्णन। केस है एम्स व सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। एम्स का वकील है मिस्टर आनंद वर्मा। इस केस की सुनवाई कर रहे हैं ऑनरेबल जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल व ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तलवंत सिंह। ये आप देख पा रहे हैं 10 दिसंबर 2020 का लेटेस्ट ऑर्डर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स व सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा कि क्यों ने दिल्ली केट के फैसले पर रोक लगाई जाए। वह नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में मांगा। कोर्ट ने यह भी बोला कि इस वर्ष जो नॉर्थ सेट वालों की ज्वाइनिंग होने वाली है वो कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। और ऐसा भी लग रहा है कि दिल्ली केट से कुछ अलग फैसला जरूर आएगा। ये केस 22 फरवरी 2021 को दोबारा लिस्ट होना है, दोबारा सुनवाई है। कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि एक केस और चल रहा है, उसकी सुनवाई अभी 22 दिसंबर को है। उसके बारे में मैं डिटेल जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाती तो आपको ज़रूर बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये कोर्ट की कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।